और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज फेलो कंट्रीमैन हम लद्दाखीज को सपोर्ट करें। जितने लोग खेल नहीं रहे उससे ज्यादा कमेंट्री कर रहे हैं। इस टाइम आपके लीडर्स कार्यालय से ज्यादा तिहाड़ जेल में मिलेंगे आपको। पहले आप बड़े सेलिब्रिटीज को हिंदू होने का सर्टिफिकेट दिए घूमते थे, उनको एंटी हिंदू बोलते थे। जब आप उस लेवल पे पहुंच गए तो वही सर्टिफिकेट लोग आपको देने लगे। आप कितना भी कट्टर हिंदू बने रहो, कर्मा बहुत सेक्युलर होता है। और सोनम वांगचुक बस एक फेस है, बट ये पूरे लद्दाख की बात है। नमस्कार, आदाब, वेलकम एंड हैप्पी होली। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं देश की बात एंटरटेनमेंट के साथ। और एंटरटेनमेंट की अब कोई कमी नहीं है। होली आ गई है, इलेक्शन शुरू होने वाले और आईपीएल शुरू हो चुका है। अब सिर्फ यही चलेगा, कोई काम वाम नहीं। और भाई, पॉलिटिक्स से ज्यादा डेमोक्रेसी आजकल क्रिकेट में है। चुनाव में आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं है जितने आईपीएल में कमेंट्री है। भोजपुरी में रवि किशन, हिंदी में सचिन, पंजाबी में बादशाह, मुनावर फारूकी, सारा अली खान। जितने लोग खेल नहीं रहे उससे ज्यादा कमेंट्री कर रहे हैं। आप पूरा आईपीएल देखो, पर ये बाबू ये खेला चलत रही, असली खेला पे बात कही जा। इलेक्शन के कुछ ही दिन पहले टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया, टू द ट्यून ऑफ 135 करोड़ रुपीज ओनली आफ्टर जीएसटी। अर्लियर करप्ट, नाउ बैंकक्रप्ट। वी डोंट हैव मनी टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वी डोंट हैव मनी टू पे सैलरीज टू आवर एम्प्लॉइज। ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी विल बी इंपैक्टेड। बस कर पगले रुलाएगा क्या? इतनी बुरी हालत तो 2014 के बाद भी नहीं हुई थी तुम्हारी, जितनी 24 में हो गई। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इनका सिर्फ अकाउंट फ्रीज हुआ। आप पार्टी का सोचो, जिनका तो लीडर ही फ्रीज कर दिया। सारे में बड़ा हंगामा जद होया जब ईडी ने केजरीवाल बाहर काट दिया। महीनों चली धप्पा आई स्पाइस के बाद फाइनली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल को दिल्ली लिकर स्कैम केस में अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद वही हुआ, हंगामा, प्रोटेस्ट की वीडियोस, पुलिस के डंडे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। दरअसल काफी टाइम से ईडी आम आदमी पार्टी लीडर्स के पीछे पड़ी थी इस केस में। पहले मानीष सिसोदिया नापे जा चुके थे और फिर ये तो पक्का ही था कि जल्दी ही ये लोग केजरीवाल की कॉलर भी पकड़ेंगे। सवाल था कब, अब। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाली थी। बाद में उन्होंने जो बेंच थी उसको देख के उसको वापस ले लिया और बोला कि अब तो हम जेल जाएंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। या या या। रूफेल बाबा ने इस पे बड़ा अच्छा मीम बनाया। इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। थोड़ी मर्यादा रखिए। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, अरविंद केजरीवाल से पहले भी आम आदमी पार्टी के कई सारे सीनियर लीडर्स अरेस्ट हो चुके हैं, नोटेबली संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल। इस टाइम आपके लीडर्स कार्यालय से ज्यादा तिहाड़ जेल में मिलेंगे आपको। अतः इतने काही लोग आरोप लगावतात की बीजेपी पार्टी ईडी आणि आयटी मध्ये अंपायरिंग करायला सांगून मैच कैसा जीता, गोदी मीडिया कमेंट्री करतात। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही ना। ऑपोजिशन ने स्लेजिंग कर दे पाएने एंड डेमोक्रेसी पारित खत्म कर दी। अच्छा, हो सकता है आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉलिटिक्स एक मेजर मुद्दा है और केजरीवाल का अरेस्ट एक बड़ा इवेंट है क्योंकि इससे हम सबको असर पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि भाई सब कुछ रूल्स के मुताबिक हो रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है, या फिर इलेक्शंस के पहले मैच फिक्सिंग की जा रही है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग केजरीवाल लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। बताओ भैया, देश में क्या चल रहा है, तानाशाही या डेमोक्रेसी? खैर, एक और प्लेयर जिन्हें इस हफ्ते पवेलियन भेजा गया वो थे यूट्यूबर एलविश यादव। तो आपको याद है ना वो सांप के जहर वाला मामला? हाँ, उसी में, उसी केस में पुलिस ने एलविश यादव और फिर बाद में दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इनको कोर्ट से बेल भी मिल गई, होली के बाद ये बाहर आ जाएंगे। इसके बाद कई सारे वीडियोस वायरल हुए, कई सारे मीम्स बने, लेकिन पीक तो तब हो गया जब उनके माता पिता भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में आके भावुक हो गए, जिसको कई ज्यादा वायरल किया गया। और मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों किया गया, बिसाइड आपको अपने चैनल की टीआरपी बढ़ानी थी, किसी के पेरेंट्स को ऐसे नेशनल टीवी पर लाके उनकी बेबसी का तमाशा बनाना। बट अगेन, इंडियन मीडिया से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, इनसे ज्यादा जहरीले तो एलविश के सांप भी नहीं है। बट अगेन, अगर आप पिछले कुछ महीनों के इवेंट्स को देखोगे तो समय का पहिया क्या 360 डिग्री घुमा है। खासकर इस कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा। पहले आप बड़े सेलिब्रिटीज को हिंदू होने का सर्टिफिकेट दिए घूमते थे, उनको एंटी हिंदू बोलते थे। जब आप उस लेवल पे पहुंच गए तो वही सर्टिफिकेट लोग आपको देने लगे। हमारा बॉलीवुड लेफ्ट लीनिंग है और बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ा एंटी हिंदू ग्रुप है। और आज सिर्फ एक सेकंड नहीं लगता आपको बोलने में मुझे कि एल्विश तो गद्दार दोगला हिंदू है। जब आर्यन खान का केस हुआ था तब आप उस लड़के को चर्सी गंजेड़ी बोल के ट्रोल कर रहे थे, जबकि क्लियरली उसके सुपरस्टार बाप से फिरौती मांगने का केस था वो। लेकिन अब आपके साथ वही केस हुआ तो आपकी ही पुरानी क्लिप ले उठा के आप ही को ट्रोल किया जा रहा है।
के वो अंधे फैंस जो यार ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे कि भाई आई स्टैंड विद आर्यन खान, भाई तुम कितने पागल हो यार, कितने अंधे हो, इनके फैंस बिल्कुल राजी नहीं है मानने को कि भैया आर्यन खान भैया ने कुछ गलत कर दिया। मतलब नो हिट अगेंस्ट एनीवन, बट ये सोचने वाली बात है कि लाइफ कम्स फुल सर्कल, जो लाइन आप दूसरों के अगेंस्ट बोलते हो वही लाइन आपके लिए भी बोली जा सकती है। आप कितना भी कट्टर हिंदू बने रहो, कर्म बहुत सेक्युलर होता है। आई लीव इट देयर। खैर ये सब तो चलता रहेगा। मोटी रमत चले छे लद्दाख ने मैदान पर। पिछले हफ्ते में मेरी चैनल पे पता नहीं कितने सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई इस वाले आप टॉपिक को कवर करो। इफ यू आर लिविंग अंडर द रॉक, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो रियल लाइफ रैंचो सोनम वांगचुक लद्दाख में अनशन पर बैठे हैं, लद्दाख के लिए सिक्स शेड्यूल की मांग करते हुए। काफी लंबे समय से लद्दाख में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर अनशन हो रहे हैं, और सोनम वांगचुक बस एक फेस है, बट ये पूरे लद्दाख की बात है। दरअसल 2019 के बाइफरकेशन आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के बाद से लद्दाख के लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अपने ट्राइबल कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनिंग से बचने के लिए एक स्टेटहुड दिया जाए, हमको हमारे लॉस बनाने दिया जाए, सिक्स शेड्यूल दिया जाए। और समझना बहुत जरूरी है कि क्या है ये सिक्स शेड्यूल का मसला और इसके लागू होने से लद्दाखियों को क्या फायदा होगा, और यही इंपॉर्टेंट रिव्यू लेंगे हम आज की एक्स्ट्रा इनिंग्स में, को प्रेजेंटेड टू यू बाय राउज आई स्टडी सर्कल। इसको ऐसे समझते हैं कि लोकल्स ऑफ लद्दाख आर डिमांडिंग ग्रेटर प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन अंडर द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी। मतलब लोकल्स का डे टू डे एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेशन, एंड दिस इज पॉसिबल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स, जो कि प्रोवाइडेड है सिक्स शेड्यूल में। अब करेंटली सिक्स शेड्यूल इज एप्लीकेबल इन फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नेमली त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड मिजोरम। अब सिक्स शेड्यूल बेसिकली प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल्स इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज। दैट्स वाई द लोकल्स ऑफ लद्दाख, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 97% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, एंड हेंस दे आर डिमांडिंग, और दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई दे आर डिमांडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स शेड्यूल। इसके अलावा सिक्स शेड्यूल बहुत सारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स देता है लोकल्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकल एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, प्राइमरी स्कूल्स, सैनिटेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। अदर देन दिस दे कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश विलेज काउंसिल्स और विलेज कोर्ट्स विच हैव जुडिशियल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू CPC और CRPC टू टैकल मैटर्स रिगार्डिंग शेड्यूल ट्राइब्स। अदर देन दिस इट ऑल्सो गिव्स देम पावर टू से येस और नो रिगार्डिंग लैंड एक्विजिशन, एंड कंसिडरिंग कि लेट्स से कि एक लैंड एक्वायर करना है फॉर द पर्पज ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, एंड ऑटोनोमस काउंसिल लेट्स से येस और उसको अलाउ करता है, सो इन दैट केस दे ऑल्सो हैव द प्रोविजन फॉर शेयरिंग ऑफ रॉयल्टी। सो देर आर लॉट ऑफ वाइडर बेनिफिट्स विद रिस्पेक्ट टू डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स, इंक्लूडिंग प्रोविजन्स फॉर टैक्सेशन पर्पसेज। सो इनको टैक्स लेने के भी ज़्यादा प्रोविजन्स हैं सिक्स शेड्यूल में। दैट्स वाई दे आर द लोकल्स आर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स शेड्यूल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, एंड ऑल्सो बिकॉज द यूनियन टेरिटरी एज ऑफ नाउ एज कम्पेयर टू प्रायर टू 2019 दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्टली इलेक्टेड MLAs। सिंस पोस्ट 2019 इट वॉज कन्वर्टेड एज अ यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर। लद्दाख के लोगों का मानना है कि वहां के कल्चर को बचाने के लिए, ट्राइब्स को बचाने के लिए, वहां की इन्वायरमेंट इकोलॉजी को बचाने के लिए वहां पर सिक्स शेड्यूल का लगना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको ये वो क्लाइमेट फास्ट भी कह रहे हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक का 16वां दिन चल रहा है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज फेलो कंट्रीमैन हम लद्दाखीज को सपोर्ट करें। कैसे? आप अपने स्तर पर आवाज उठा सकते हैं, या तो आप इस वीडियो के नीचे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #लद्दाख लिखकर इस पर अपना ओपिनियन ट्वीट करें, कमेंट करें, पोस्ट करें, ताकि इस इशू को और उठाया जा सके। मीडिया इसको उतना नहीं उठा रहा, अब हम पे एज सिटीजन हम पे जिम्मेदारी बसती है कि सोशल मीडिया हमारे हाथ में, मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, सोशल मीडिया हमारे हाथ में, तो हम इसका इस्तेमाल करें। आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां हो सकता है एक स्टोरी रीशेयर करें, एक पोस्ट डालें, इसके बारे में अपने सर्कल में बात करें और इसको और ज्यादा ट्रेंड करें, ताकि लद्दाख पर और ज्यादा फोकस आ सके होपफुली, क्योंकि मीडिया हमारे साथ नहीं, हमारे खिलाफ खड़ी है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ेगा। पहली खबर है यूपी के बदायूं से, जहां पर एक बहुत ही बड़ी घटना हुई। नाउ डिस्क्लेमर अलर्ट, अगर आप ये वीडियो बच्चों के साथ देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो काफी डिटेल्स जो है वो काफी ग्रूसम है, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता पाऊंगा। जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है साजिद, ये मर चुका है, इसका एनकाउंटर हो चुका है। दरअसल हुआ क्या था कि साजिद का अपने पड़ोसी विनोद से किसी बात को लेकर अनबन चल रहा था, और बदला लेने की चाह में एक दिन साजिद विनोद के घर पे जाता है, उसकी वाइफ से बात करता है, उनसे कुछ पैसे मांगता है, चाय वाय के लिए बोलता है, और जब वो अंदर जाती है तो वो छत पे जाता है, और वहां पर विनोद के दो बच्चे अहान और आयुष, 10 साल और 7 साल की उम्र बताई जा रही है, वो खेल रहे थे, और यही मौका पाकर साजिद दोनों बच्चों का
एक धारदार हथियार से कत्लेआम कर देता है दो बच्चों के साथ। इस इंसिडेंट के बाद लोग स्तब्ध हैं, हालत गंभीर है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि हिंदू मुस्लिम पक्ष है तो वो बातें भी हो रही हैं। खैर, जब मामले की डिटेल्स पढ़ी मैंने तो विश्वास नहीं हुआ कि इतनी बर्बरता, इतनी बेरहमी दो मासूम बच्चों के साथ। यूजली मैं अपने आप को बहुत एक टफ कैलिबर का समझता हूँ, लेकिन जब मैंने इसकी पोस्टमार्टम डिटेल्स पढ़ी तो दो मिनट के लिए दिल दहल गया कि कोई बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो अगर आप एक कमज़ोर दिल के हैं तो उसके बारे में मत पढ़िए, बट खैर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरा काम है न्यूज़ बताना। अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वो आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं, बट अगेन कमज़ोर दिल के हो तो अवॉइड करना क्योंकि डिटेल्स दिल दहला देने वाली हैं। अगली खबर है आने वाले इलेक्शंस को लेकर, जिनकी डिटेल्स पिछले हफ्ते अनाउंस कर दी गई इलेक्शन कमीशन द्वारा। अभी भी लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब इलेक्शन होंगे, तो बता देता हूं कि डेट्स का हाल क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक देश में 7 फेजेस में इलेक्शंस कंडक्ट करे जाएंगे। 4 तारीख को इसके रिजल्ट पब्लिश होंगे, 4 जून को। और आप हमारे लोकतंत्र की विशालता देखिए कि इसमें लगभग 97 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तारीख को इलेक्शंस होंगे तो इंडियन एक्सप्रेस का ये वाला आर्टिकल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बढ़िया इन्फोग्राफिक है, जाके अपना स्टेट टाइप करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी शहर है वो डालना है और वो आपको बता देगा कि आपके जगह पे कौन सी तारीख को लड्डू बट चुनाव होंगे। चलो इलेक्शन से ही रिलेटेड एक और न्यूज बताता हूं। आपके पास व्हाट्सएप पर ये वाला मैसेज जरूर आया होगा, ये वाला विकसित भारत संपर्क लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। अब कहने को तो ये सरकार की स्कीम्स पर एक फीडबैक फॉर्म है, लेकिन आपको चुनाव के पहले क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली भाई प्रसार की आड़ में प्रचार हो रहा है। और जब ये वाला मैसेज देशवासियों को भेजा गया तो कई सारी ओपोजिशन पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास गई, उनका दरवाजा खटखटाया कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये तो MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो आचार संहिता के खिलाफ है कि इन दिनों आप प्रचार नहीं कर सकते, ये तो भाई खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी इसके खिलाफ एक्शन लिया। मतलब इलेक्शन कमीशन ने MCC का हवाला देते हुए इस पे रोक लगा दी। और अगर आप इसे सरप्राइज हो रहे हो कि अरे हाँ यार आचार संहिता में तो ऐसा करना नहीं चाहिए, इन लोगों को पार्टी को प्रचार करना है गलत है, तो रुक जाओ, अभी बस प्रसार की आड़ में प्रचार हुआ है, इलेक्शन पास आने तो बहुत सारी सीमाएं लांघी जाएंगी, वेट एंड वॉच। अच्छा, अगर आप इस शो को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बॉडी है IQAir, जो दुनिया भर के जितने भी देश हैं उनकी एयर क्वालिटी मापता है और उसके हिसाब से रैंकिंग निकालता है, एक रिपोर्ट पब्लिश करके उनको रैंकिंग देता है कि कौन सी सिटी कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड है। और आपको सुनकर ये बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा कि देश की जो टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है उनमें से 42 सिटीज इंडिया की है। इनफैक्ट एयर पॉल्यूशन के मामले में हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है, A little behind from Vishwaguru, but we'll get there. World Air Quality Report 2023 में बताया कि दुनिया भर में तीसरा सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी में खराब देश है भारत, जस्ट बिहाइंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। विद एन एवरेज एनुअल PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, इंडिया हैड द थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी आउट ऑफ 134 कंट्रीज। सुन के गर्व हुआ ना, टॉप 3 पोडियम पे आ गए, फर्स्ट पोजिशन भी ले लेंगे। जिन सिटीज का नाम इस लिस्ट में आया है वो है ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, गुड़गांव, अर्रा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, रोहतक, लिस्ट बहुत लंबी है। इनफैक्ट अगर आप किसी भी नॉर्थ इंडियन सिटी में रहते हैं तो चांसेस है कि वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से एक पॉल्यूटेड सिटी भी है। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इतना ज्यादा वायु प्रदूषण होने के बावजूद भी हमारे देश में एयर पोल्यूशन एक मुद्दा नहीं है। सर्दियां आने तो इतना ज्यादा दम घुटता है कि भाई लोग सांस की वजह से मरे चले जाते हैं, जो अस्थमा के मरीज हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, जो पोल्यूशन मीटर है वो नंबर रीड नहीं कर पाता, पोल्यूशन इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बुजुर्ग घर के बाहर नहीं निकल पाते, इनफैक्ट पूरा शहर एक गैस चेंबर बन जाता है। जो बाहर के देश है अपने सिटीजन के लिए एडवाइजरी इशू कर देते हैं कि भाई इस टाइम पे इंडिया में ट्रेवल ही मत करना, और फिर भी जब इलेक्शन आने वाले हैं तो एयर पोल्यूशन दूर दूर तक कोई मुद्दा नहीं है, और ये इस देश का दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सरकार ने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी, जब आपको याद होगा कि सरकार ने बोला था कि PIB के अंडर एक फैक्ट चेक यूनिट होगी, और जब ये नोटिफिकेशन आए थे तो कई ज्यादा सवाल उठे थे कि भाई अगर सरकारी सर्टिफिकेशन देने लगी कि भाई किसकी न्यूज फेक है किसकी न्यूज ऑथेंटिक है, तो सरकार के पास एक पावर आ जाएगा किसी की वॉइस को सप्रेस करने का, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आ गई थी। और यही फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस यूनिट को होल्ड पे डाल दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के फंडामेंटल्स के खिलाफ है। अच्छा, जजेस के घर बड़े होते हैं क्या, बुलडोजर चला जाता है? अगली न्यूज है पतंजलि को लेकर, जहां पर बाबा रामदेव और पतंजलि के MD
आचार्य बालकृष्णन ने सुप्रीम कोर्ट से अनकंडीशनल अपॉलॉजी यानी कि माफीनामा दर्ज किया है। दरअसल हो क्या रहा था कि काफी लंबे टाइम से कोर्ट्स पतंजलि को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और अनसाइंटिफिक क्लेम्स के लिए वार्निंग दे रहे थे। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले पतंजलि ने कोरोनिल एक किट निकाली थी जिसमें कोरोना का क्योर बताया था, और भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से बाबा रामदेव की आनाकानी चलती रहती है, और पतंजलि ऐसे कई बार एड्स प्रमोट करता है जो जिसके कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता। इसी का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पतंजलि को इन एडवर्टाइजमेंट को रोकने के लिए कहा था, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो कोर्ट ने फिर जाके समन इशू किया और बोला कि भाई रामदेव भाई साहब आप इधर आओ, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो और जब ऐसा हुआ तो कंपनी मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलजी यानी कि माफीनामा दर्ज कराया कि भैया हमसे गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। गलती हो गई, तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। तो इससे क्या सीख मिली कि एक नोटिस लगता है कोर्ट से अच्छे अच्छों को लाइन पे लाने के लिए, कितना भी रजत राजवीर कर लो ओजी गैंगस्टर तो हमारे माइलॉर्ड ही रहेंगे। चंद्रचूड़ भाई क्या कोई बोल सकता है क्या? चंद्रचूड़ भाई। ओके, लास्ट इंटरनेशनल दो मेजर न्यूज शेयर करता हूं। ये है केट मिडिलटन, हमारे जो ब्रिटिश की रॉयल फैमिली है उसकी ये बहू है। काफी लंबे टाइम से पब्लिक डोमेन से गायब थी, मतलब 4-5 महीने हो गए थे, जो फैमिली ज्यादातर यूजली आ के पिक्चर्स देती रहती है, इनकी कोई पिक्चर नहीं आई थी और इनका भी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं रहा था। तो कई सारी अटकलें लगाई जाने लगी थी, इनफैक्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनने लगी थी कि ये गायब हो गई हैं, इनका भी डायना पार्ट टू हो गया है, फलाना ढिमकाना। इस हफ्ते केट ने एक वीडियो अपलोड की और बताया कि उनको कैंसर डायग्नोस हुआ है और वो गायब इसलिए है क्योंकि उनका कीमो चल रहा है, यानी कि कैंसर का इलाज। सो ऑल दोस पीपल हु मेड जोक्स ऑन हर, बकल अप, वी आर गोइंग टू हेल। एंड लास्ट न्यूज है रशिया से। क्रोकस सिटी हॉल में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस अटैक में अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है, कई सारे लोग घायल हैं, ये जो डेथ काउंट है ये और बढ़ सकता है। कई सारी वीडियो वायरल हुई जहां पर क्रोकस सिटी हॉल को पूरा जला दिया गया, लोगों को भागता हुआ दिखाया गया और पूरे मॉस्को सिटी में अफरा तफरी मची हुई है। वॉर, टेररिस्ट अटैक, ऑटोक्रेसी, क्या ही हो रहा है दुनिया में। चलो अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। और जनाब क्या चल रहा है? पहली वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल रही वो थी अंबेडकर नगर से, ये वाली, जहां दो खुराफाती भाइयों ने मिलकर एक वैगनार को हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट कर दिया। और यही नहीं, अभी और सुनिए, ये इस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाने के लिए पुलिस थाने ले जा रहे थे, पुलिस वालों ने देखा इतने खौफ में आ गए कि उसको वहीं सीज कर दिया। इसमें कौन सा एक्ट लगेगा, एमबीएस लगेगा या हवाई जहाज एक्ट? ये सीज होगी साहब, ये बिल्कुल सीज होगी, जाएगी कहां ये अब। एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि भाई इनोवेशन भले ही अच्छा है बट कन्विंसिंग नहीं है। पहली बात तो देख के ऐसा नहीं लग रहा कि हेलीकॉप्टर है, ऐसा लग रहा है वैगनार की पूंछ आ गई हो। और ये क्या है, इससे बड़े पंखे तो 5x5 की नाई की दुकान पे होते हैं। और गाड़ी कौन सी चुनी भाई तुमने, सीज तो करना ही था, वैगनार को हेलीकॉप्टर कौन बनाता है, टैक्सी बनाओ ना उसको। और अगर पास भी हो जाता तो कैसा लगता जब हेलीकॉप्टर में बैठ के लोग तुम्हें ओटीपी बताते। अच्छा, एक और जो सबसे ज्यादा वायरल न्यूज रही थी वो थी ये वाली, जोमैटो ने लॉन्च की वेज फ्लीट, मतलब सिर्फ प्योर वेज खाना डिलीवर करने के लिए जोमैटो के अलग से ग्रीन डिलीवरी बॉयज, और इसका इनॉग्रेशन करने खुद सीईओ साहब उतरे थे। दीपेंद्र गोयल ने ट्वीट किया, टू सॉल्व फॉर द डाइटरी प्रेफरेंसेस वी आर टुडे लॉन्चिंग अ प्योर वेज मोड अलोंग विद अ प्योर वेज फ्लीट ऑन जोमैटो फॉर कस्टमर्स हु हैव अ 100% वेजिटेरियन डाइटरी प्रेफरेंसेस। और लॉन्च होते ही साथ इस मॉडल को कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बोला कि भाई ये कास्टिज्म है, कि अगर आप भाई खाने की चॉइसेस के बेस पे सेग्रीगेट करोगे तो बहुत जल्दी डिस्क्रिमिनेशन में बदल जाएगा। दूसरा सवाल कि ये जो डिलीवरी बॉयज हैं क्या ये भी नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं या ये भी प्योर वेज रहेंगे, और फिर अगर आप ये प्योर वेज और नॉन वेज करोगे तो सोसाइटीज में जो रेड वाले जोमेटो डिलीवरी बॉयज हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना होने लगे, लिफ्ट बेचारों को वैसे यूज नहीं करने देते। अलग अलग तरह के ओपिनियन थे, कुछ सुनाता हूं तुमको। शालिन बोलती है, डिलीटिंग दी ऐप, आई विल नेवर यूज जोमैटो अगेन, दिस इज कास्टिस्ट एंड क्रिमिनल, होप समवन फाइल्स अ केस ऑन देम। ये तो भाई फुल कोर्ट कचहरी पे आ गई। वहीं अक्षत लिखते हैं, व्हाई इज दिस इवन अ टॉपिक, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन एंड आई हैव फ्रेंड्स हु आर प्योर वेजिटेरियन, वी हैव प्योर वेज रेस्टोरेंट एंड नाउ वी हैव दिस, व्हाई इज एवरीथिंग अ डिबेट, ब्लडी स्टुपिडिटी। शिवानी लिखती है, प्योर वेज इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट अबाउट हलाल सर्टिफिकेशन, ओह वेट दैट्स सेक्युलरिज्म, राइट। तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। खैर, जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो जोमैटो ने इस डिसीजन को वापस ले लिया और इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। बट हियर मी आउट, मुझे लगता है कि जोमैटो एज अ कंपनी अपनी बस डिमांड सप्लाई मैच कर रही थी। आई विल टेल यू हाउ, क्योंकि जैसे नॉन वेज खाना आपका डाइटरी प्रेफरेंस है, ऐसे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको प्योर वेज खाना, सो एज टू स्पीक, उनका डाइटरी प्रेफरेंस है। कई सारे लोगों को मैं ऐसा पर्सनली जानता हूं जो सिर्फ उन्हीं जगह से ऑर्डर करते हैं, खाते हैं जहां पर सिर्फ वेज खाना पकाया जाता है, और वो उनकी प्रेफरेंस होती है, और जिस रेस्टोरेंट में दोनों बनता है हजारों ऑर्डर्स यहां वहां होते हैं, और वहां से इन्होंने ऑर्डर किया और गलती से वेज की जगह नॉन वेज डिलीवर हो जाए तो जोमैटो को सीधा कंज्यूमर कोर्ट तक ले जाते हैं। तो फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि उन्होंने क्यों रोल आउट किया और क्यों रोल बैक किया। बट ये डाइटरी प्रेफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन का बड़ा क्लासिक एग्जांपल है।
आपको क्या लगता है दोनों में से क्या है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में #zomato लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं एज ऑलवेज। चलो इसी बात पे थोड़ी पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हुआ जिसमें कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट एंड एंकर्स मिलकर इंटेलेक्चुअल बकैती कर रहे थे। सुधीर चौधरी, सौरभ द्विवेदी, राजदीप सरदेसाई, इसको बुलाया ना। इसी बीच एक Q&A सेशन में राहुल कवल के साथ राजीव सरदेसाई ने एक बात कही जिसका वीडियो क्लिप ट्विटर पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। एक बार आप सुन लो फिर उस पर बात करते हैं। Just think about it. We are talking about upki bar, 400 par, 350 par. This 350, 400 par is also probably not going to have a single Muslim MP. 13% of your population in a way is being invisibilized. How many Muslims? There is a systematic invisibilizing of the Muslim. I'm not blaming an individual for it. But this is the nature of it. An indoctrination has set in. Should also look inside. How much have we done to spread these kinds of stereotypes, prejudice, and the worst kind of hate politics that targets people because of the community they belong to? I like the fact that stereotype, prejudice, hate politics की बात हो रही थी, सुधीर चौधरी पे कैमरा डाल दिया। Good work, cameraman. अब हो सकता है कि आप अपनी political ideology के तहत राजदीप सरदेसाई को उतना पसंद ना करते हो। मुझे भी कोई खास पसंद नहीं आते। But जो वो बात कह रहे हैं उसमें दम तो है। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जब आपका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, तब आपके पास मुस्लिम, इसमें माइनॉरिटी नहीं बोलूंगा और ना कुछ लोग वहां गुस्सा हो जाएंगे, बट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है। और ये अब सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ऐसे टॉपिक्स पर एक हेल्दी डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। अब आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या राजदीप भाई यहां भी अपना एजेंडा पेडल कर रहे हैं या उनकी बात में कुछ दम है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में #sardesaispeech लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो कुछ भी देश में घटनाएं हो ना सिर्फ उसको आपको एक हेल्दी तरीके से बताया जाए बट आपके एंड से भी एक हेल्दी डिस्कशन नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्रमोट किया जाए ताकि आप अपना ओपिनियन रख सके, आप दूसरे का सुन सके और एक एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस एंड आइडियोलॉजीज हो सके। तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपने ओपिनियंस देते रहिएगा। अच्छा, इस हफ्ते ये वाला वीडियो और वायरल हुआ। ये वीडियो था दरअसल IIT कानपुर के टेक कृति एक फेस्ट से। वहां उन्होंने एक रोबोटिक कुत्ते का प्रोटोटाइप बनाया और उसको असली कुत्तों के सामने छोड़ दिया और भाई चिट्टी डोगों के सामने टॉमियों की फटली। चलो इसके कमेंट पढ़ाता हूं तुम्हें। कुत्तों की सेक्स डॉल द शिवान शाहू लिखते हैं, डॉग्स भी लाइक, इसका सर किधर है? हाँ भाई काफी परेशान लग रहे हैं, मैं क्या करूं, अब जॉब छोड़ दूं? जाओ भाई तुम लोग का खेल खत्म, इसको तो पार्ले जी भी नहीं चाहिए। He'll go back and tell his friends, but they won't believe his stories. पता है भाई क्या हुआ आज? Anyway, IIT कानपुर वालों तुम ये बताओ, बॉस्टन डायनेमिक्स से कॉपी किया ना तुमने ये? है ना? अबे जा। चलो अगली वीडियो वायरल हुई फैशन इंडस्ट्री से, जहां वहां की लेडी डॉन उर्फी जावेद का ये वाला वीडियो वायरल हुआ। Yes, yes. क्या बात है? हाँ हेलो नासा, सुसाइड कर लिया कितने साइंटिस्ट ने? मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम जनता के कमेंट्स देखो बस। व्हाट इफ शी फार्ट्स? भाई ये सोलर सिस्टम में एक एस्टेरॉइड निकलेगा। दीदी कार में सीट पर बैठ के आई थी या फिर डिक्की में? शी इज गोना गिव बर्थ टू द प्लैनेट्स। नेक्स्ट ड्रेस विल बी एक्वेरियम, मछली तैरेंगी उसमें, शार्क। टीचर द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू, स्टूडेंट। पापा की परी नहीं, पापा का यूनिवर्स। अपनी फ्रॉक के अंदर उसने सोलर सिस्टम ले लिया। कुछ भी कहो भाई, उर्फी जावेद को हेडलाइंस बटोरना तो आती है। जस्ट व्हेन यू थिंक इट कांट गेट मोर अतरंगी देन दिस, शी प्रूव्स यू रॉन्ग। नॉनसेंस। और पहली नॉनसेंस न्यूज आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्त के साथ देख लो, अपने बॉस के साथ मत देखना। फिर बाद में मत बोलना कि सरदार भाई वार्निंग नहीं दी। ये है बिजनौर के तेजपाल सिंह और इनका अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछले 26 सालों में सिर्फ एक बार अपनी जॉब बदली नहीं, उसी जॉब में रहे हैं और सिर्फ एक बार छुट्टी ली है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हाँ, 26 साल एक छुट्टी, संडेज एंड हॉलीडेज इंक्लूडेड, दिवाली होली संडे कुछ भी हो एक छुट्टी, वो भी इसके भाई की शादी थी तब। ये कैसी इंस्पिरेशन है जो मुझसे ली नहीं जा रही? इस भाई की जिंदगी में पर्सनल लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसने छुट्टी की छुट्टी कर दी। पहला आदमी है जिसने कोरोना की मेंटल हेल्थ खराब कर दी, लॉकडाउन को लॉकअप में डाल दिया। ये इतना डेडिकेटेड एम्प्लॉई है कि ये चेयरमैन को परफॉर्मेंस रिव्यू देता होगा। वो मोदी जी का मीम लगाओ, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और ये न्यूज सुन के हैरान मत हो, अभी रुक जाओ, अगली वाली सुनो। एमपी की ये लड़की कोटा में पढ़ रही थी और इसने इस हफ्ते अपनी ही किडनैपिंग प्लान करवाई ताकि पिताजी से 30 लाख रुपए की फिरौती निकलवा सके। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये मतलब तो नहीं था? और सुनो, फुल प्रूफ प्लानिंग, ऐसे नहीं कि बस बेटी किडनैप हो गई कॉल आया, नहीं, अपनी खुद की ऐसे रस्सी से हाथ पैर मुंह बंधवा के फोटो खिंचवाई और वो अपने पिताजी को व्हाट्सएप की और फिर फिरौती मांगी। फोटो भेजी, पिताजी ने बोला SP साहब को भेज रहा हूं, तुम्हें जिसको भी भेजना हो भेज दो, 30 लाख अकाउंट में डालो और अपनी लड़की जिंदा ले लो। अगली फोटो लड़की के सिर के बिना आएगी, अब पैसे भेज शाम तक, नहीं तो तेरी बेटी मार देंगे। पहली इंसान है जो सुसाइड की धमकी एज मर्डर दे रही है।
₹30 की प्लानिंग करके ₹30 लाख मांग रही थी। दीदी इतना दिमाग पढ़ाई में लगा दिया होता तो IIT टॉप कर लिया था आपने। अब 30 दिन घर में बंद रखेंगे और ₹30 भी नहीं देंगे। देखिए देश में बहुत ज्यादा इन दिनों नेगेटिविटी है और मैं भी चाहता हूँ कि सरकार मुझे एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड दे, इसलिए अगली एक पॉजिटिव न्यूज भी सुना देता हूँ। टास्क फॉर यू, आप कभी भी तेल डलवाने या पेट्रोल पंप जाओ तो वहां पे नोटिस करना, कई सारी जगह ऐसी होंगी जहां पेट्रोल डीजल के साथ अब एक और तरह का आपको फ्यूल मिलेगा, एथेनॉल 100। दरअसल ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको बायोफ्यूल कहते हैं। एथेनॉल हमने कुछ टाइम पहले संडे शो में भी डिस्कस किया था। ये दरअसल फॉसिल फ्यूल नहीं होता बल्कि जो हमारे एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट होते हैं उससे ये बनता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये 100% एथेनॉल नहीं होता, इसमें लगभग 93% एथेनॉल और 5% पेट्रोल का मिक्सचर हो रहा। आपको ऑलमोस्ट पेट्रोल के दाम पे ही मिलेगा और इंडियन ऑयल के अभी 183 आउटलेट पर लॉन्च किया गया है। सरकार का प्लान है कि आने वाले टाइम में इसको हजारों और पेट्रोल पंप में बेचा जाएगा। और हाँ, जोश जोश में आके अपनी स्प्लेंडर में मत डलवा लेना, ये फ्लेक्स फ्यूल कार्स में ही डलता है। और ये एथेनॉल के आने के अभी दो इंपॉर्टेंट रीजन है। एक तो क्लाइमेट, कि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जरूरी है कि हम फॉसिल फ्यूल से जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसकी तरफ पड़े, इसलिए बायोफ्यूल की जरूरत है। और दूसरा है कि इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल, जो हम ज्यादातर जो है बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम बायोफ्यूल पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ा देंगे और क्रूड ऑयल पे अपनी डिपेंडेंस कम कर देंगे तो ये हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। तो इथेनॉल 100, ईवी कार्स, ये अभी तो इतना नहीं दिख रहा बट यही हमारा फ्यूचर है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर एपिसोड में कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं टॉपिक्स पर। जैसे पिछले एपिसोड में जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उस पर लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन साझा किए और उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जानवी सिंह लिखती हैं, आई एम नाउ डैम श्योर यू विल मेक मी फॉलो जर्नलिज्म, जस्ट हैव टू डू इंजीनियरिंग टू कन्विंस माय पेरेंट्स टू लेट मी डू दैट, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। देखो मुझे नहीं लगता कि जर्नलिज्म की कोई डिग्री करने की जरूरत भी है जेन्युइनली, मतलब कई सारे लोग हैं जो जर्नलिज्म, मास कॉम, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन इसमें चले जाते हैं। बट अगर आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर आप डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, अगर आप वो फील्ड में घुसना चाहते हैं, अगर आप PR करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप इस फील्ड में आओ। बट जर्नलिज्म करने के लिए यू डोंट नीड अ डिग्री, यू जस्ट नीड गट्स एंड इन दीज डेज अ स्पाइन। What if there was an IMS, Indian Minister Services, specifically for those who aspire to become Indian Minister or Sansad members? Eligibility for this service would be determined through the UPSC exam or by selecting existing or retired civil officer. यार कुलप्रीत सिंह भाई, मुझे लगता है कि आइडिया आपका कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है, बट जो क्राइटेरिया है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो UPSC एग्जाम होगा उसे आप पढ़ लिख के पहुंचोगे, कहीं वो रट्टा मार तरीके से पहुंचोगे, लेकिन जो नेता होता है उसको आगे जाके पॉलिसी बनानी होती है, तो उसको ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ होना पड़ता है। तो आप कितने भी एग्जाम कर लो, कितने भी इंस्टीट्यूशन और मिनिस्टर और IMS सर्विस बना लो, बट नेता तो वही होना चाहिए जो ग्रास रूट लेवल से उठकर आए, बाद में लिखा पढ़ी कराते रहो। फोनियट्स 5344, ओहो भैया, अच्छा आप इतने स्टेट्स में जा चुके हो, जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो आपको नर्वसनेस तो हुई होगी, और मुझे तो भैया मेहमानों से बिस्कुट पूछने में बड़ी शर्म आ जाती है कि आप और बिस्कुट या फिर कुछ और लोगे, भाई ये तो सबको होता है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि मम्मी पूछती हैं कि आप चाय लेंगे, नाश्ता लेंगे, फिर पीछे वाले दरवाजे से हमको भेजा जाता है, जाओ जाओ ये लो बिस्कुट लेके आओ, फिर अपन लोग 10 रुपए का नोट लेके जाते हैं, गुड्डे खरीद के लेके जा रहे हैं। खैर, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यार फर्स्ट टाइम गए थे तो नर्वसनेस तो हुई थी। तो हम लोग जब गए थे, हमने एक अपना पायलट रन किया था, हम पहले निकल के हिमाचल पंजाब गए, कई टीम भी नहीं थी, चीज़ जो कर रहे थे वो भी नहीं थी, जो हम लोग वैन में जा रहे थे वो भी नहीं थी, तो कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या होगा, कैसी क्या दिक्कतें आएंगी। तो एक छोटा सा पायलट रन किया था पहले, वापस आए, फिर एक बार बकल अप किया, अपने आपको मेंटली प्रिपेयर किया, फिर पूरा निकले। तो इट्स बीन अ लॉन्ग प्रोसेस दैट वे। संडे विचार में शिशिर शुक्ला लिखते हैं, अच्छा सर, तो भाई अलग अलग स्टेट के जैसे कुछ स्टीरियोटाइप होते हैं, ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप्स आपने देखा तो क्या गलत क्या सही साबित हुए? बाकी संडे शो तो जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद है ही, कोलकाता की लड़कियां ब्लैक मैजिक नहीं करती, एटलीस्ट जितनों से हम मिले। और हाँ, हर पंजाबी बुर्रा बुर्रा नहीं करता, कई लोग ऐसे होते हैं जो शांत भी होते हैं, पंजाबी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा गलत है। और हाँ, राजस्थान में हर जगह कोई पानी के लिए नहीं मरता, वो वेस्ट साइड ऑफ द राजस्थान जहाँ थार डेजर्ट है वहाँ पानी की कमी है, लेकिन आप जयपुर में हो या फिर आप अलवर साइड हो तो वहाँ पे काफ़ी पानी है। नॉर्थ ईस्ट में हर कोई मोमो नहीं खाता, ऐसा नहीं है कि किसी को हिंदी नहीं आती, बहुत लोग हैं जहाँ अच्छी तरीके से वो हिंदी बोलते हैं, आप कम्युनिकेट उतनी अच्छी तरीके से कर सकते हो। सादिक शेख लिखते हैं, हैशटैग संडे विचार, आपने एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया विजिट किया प्रॉब्ली, सो व्हाट डू यू थिंक कि होल इंडिया में एक लैंग्वेज इंप्लीमेंट करना सही होगा विच कैन कॉज द लेस यूज ऑफ कल्चरल लैंग्वेज, इफ इट इज येस और नो प्लीज प्रोवाइड द रीजन, थैंक्स, योर वीडियोज आर टॉप नॉच। यार देखो, मेरे हिसाब से जरूरी है एक लैंग्वेज का होना जिससे कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो खत्म हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ उस वो लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए वो आप उस पर डिबेट कर लो, आप उसको हिंदी रखना हिंदी रख लो, अगर आपको लगता है तमिल कुड भी बेटर तो ठीक है, हम लोग तमिल सीखेंगे। बट मुझे इन पर्सनल ओपिनियन में लगता है कि एक लैंग्वेज होना चाहिए जिससे कोई असम का है वो तमिलियन से अच्छे से बात कर पाए, कोई जो कश्मीर से आ रहा है वो किसी आंध्र के व्यक्ति से बात कर पाए, राजस्थान का इंसान मणिपुर के व्यक्ति से या फिर मेघालय के व्यक्ति से या फिर कहीं कभी, मतलब किसी भी पार्ट के आप इंडिया से हो, इतने डाइवर्सिटी के साथ साथ उसी को लेकर, बट एक कोई कॉमन थ्रेड होना चाहिए
जहां पे हमारा लैंग्वेज बैरियर चला जाए। आप उसको अगर इंग्लिश भी रखना चाहो तो मुझे लगता है कि मैं उसमें भी अग्री हूं, बट एक लैंग्वेज होनी चाहिए। एनीवे, तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स, कुछ क्वेश्चन, मुझे जो मन में आया मैंने बोल दिया, उतना जज मत करना, बिना सोचे समझे बोल देता हूं। और इस वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, अगर कुछ आपका ओपिनियन हो जो शेयर करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में #SundayVichar के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप टॉप कमेंट्स में आते हो तो आपको मिलेगा संडे सभा का फ्री सब्सक्रिप्शन, जहां पर एक महीने तक आपको जितनी भी न्यूज आती है, यही संडे शो का एक न्यूज लेटर हम लोग बनाते हैं, जिसको हम हफ्ते दर हफ्ते आपके व्हाट्सएप पर डायरेक्टली डिलीवर करते हैं। कई सारे लोगों को पसंद आता है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हैं तो बिल्कुल इसको चेकआउट कीजिएगा, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ताली बजाओ। तस्वीरें दिखाइएगा जो प्रधानमंत्री अंदर गए हैं, कहीं इसमें भी कोई साजिश तो आपको नहीं दिख रही है? फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए? सरकार बनवा रही है। फिजूल खर्ची जयराम जी ने, फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए। ये दीदी के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मतलब सीधी बात, नो बकवास। बीजेपी को इस बार हराना नहीं, भगाना है। अरे भाई, तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलाना है? बीजेपी के अपने मामा के घर से लेके। देखिए सर, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। अगर बीजेपी में मामा बनवा रहे होते तो क्रेडिट शिवराज को मिलता ना। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो आपको पता ना इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? मोदी। हाँ, पक्का लॉक कर दिया शायद। बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत बेटा। तो कोई लौंडिया पसंद हो तो वो बता दे, गांव में सब लौंडान के ब्याह हो गए। मम्मी वो एक लौंडिया पसंद तो, पर दिल्ली की है। चल ठीक है, मैं मिठाई लाऊं। मम्मी मम्मी वो भी एक लौंडा पसंद। अरे लाइयो लट, लाइयो लट, लाइयो लट, दैट लाइयो लट वाज पर्सनल। हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, दोनों को ही लट मिलेंगे। Still better than if she said, मुझे भी एक लौंडी पसंद। The L in LGBT stands for love marriage. अब ये कुछ नया लाए हैं। भाई बोल, पेंसिल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। नमस्कार, मैं रविश कुमार, ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल। ये रविश कुमार अब कौन से चैनल पे आता है? यूट्यूब चैनल। शर्म नहीं आती तुम लोग को? सुप्रीम कोर्ट, भाई बोल पेंसिल, केजरीवाल पेंसिल, सुप्रीम कोर्ट तेरी बेल कैंसिल। ये तुम लोग मजे ले रहे हो क्या यार? मतलब अरे भाई, रोहित का बड़ा अच्छा कॉमेंट है इसमें। द प्रॉब्लम इन इंडिया इज वी क्रिएट मीम ऑन सीरियस सिचुएशन बट गेट ऑफेंडेड बाय अ जोक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोहित _5202_ को शाउट आउट है भाई इस बात पे। Nobody is prepared for his questions. End mission क्या है? किसका? मेरा? हाँ, end में क्या करना है? यार ये ना change होता रहता है, मैं सही बताता हूँ। Absolute end में मैं death bed की बातें कर रहा हूँ। मतलब? मतलब क्या? क्या बोल रहे हो? Beer biceps is not for beginners. That मतलब was personal. I want Salman Khan in his show. Salman Khan से सवाल पूछेगा, सर देश की सिचुएशन पे आपकी राय क्या है? ये सवाल सुन के आपकी कैफियत क्या है? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ऑपरेशन सक्सेस बट पेशेंट डेथ। गुरु टुक टू बिजनेस डेज टू शट। क्या बढ़िया था गुरु कहानी में इतना था ना। कैसी भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। वॉर रुकवा दी पापा, मेरा परिवार। एक सेकंड। हर वक्તે આપણી પાસેથી વોટ લીધા પછી, આપણી પાસેથી ટેક્સ લીધા પછી આપણને શું આપ્યું છે આ ભાજપની સરકારે? તૂટેલા ભાંગેલા રસ્તા। કોંગ્રેસ કરશે ગુજરાત। હું ગુજરાતમાં તારી સાથે છું। હા તો કોઈ દિક્કત નહીં યાર, સબ કોંગ્રેસ સે બીજેપી મે જા રહે હૈ, યે ભી ચલી ગઈ। અચ્છા બોલે એસા હોતા ધેટ 2024 ઇઝ અ યર ઓફ અનએક્સપેક્ટેડ કમબેક્સ એન્ડ ક્રોસઓવર્સ। સિદ્ધુ મૂસેવાલા 2.0, દિલજીત ઓર એચરાન કા કોમ્બો, શાહરૂખ ખાન એચરાન, લેડી મિહિર વિરાની, બેંગલોર વાલી લડકિયાં જીત ગઈ આઈપીએલ ટાઇટલ। भाई बात तो सही है, इतने अजीब अजीब क्रॉसओवर्स देखे हमने इस साल। भाई शाहरुख खान सलमान खान एक जगह नाच रहे हैं, बिल गेट्स चाय वाले के साथ कोलैब कर रहा है, रिहाना जानवी कपूर के साथ नाच रही है, एड शीरान शाहरुख खान के साथ है, एल्विश यादव मुरावर फारूकी। बस अब राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन ना कर ले। ऑन टॉप है जी, भाईचारा एक नंबर होना चाहिए।
सलमान खान की शादी भाई, फिर तो भाई पीक हो जाएगा। क्या मतलब आरसीबी इस साल आईपीएल जीतेगी? इस साल कप नाम दे राहुल गांधी पीएम। नहीं भाई, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन को बोलने की जरूरत ही नहीं। वो है जिसे देखकर कहते हैं मेरा प्रधानमंत्री, वो है जिसको रक्षा का राष्ट्र अध्यक्ष भी फोन करता है और जेंट्स की भी फोन करता है, मेरा प्रधानमंत्री। दुनिया में सबसे आसान काम है बीजेपी का स्पोक्सपर्सन होना। तुमको सवाल सुनने, जवाब किसी और को देना है। सोचो तुम अपना वाइवा देने जाओ, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए बट तुम्हारे बिहाफ पे आंसर कोई और दे, कितना मजा आएगा तुमको। सेम कंडीशन, कोई काम धाम नहीं, सब मजे ही मजे। या फिर इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट कोई और डाल रहा है, फॉलोअर्स आपके बढ़। नहीं, लास्ट वाला गलत एग्जांपल था, डिलीट कट कर। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। जाने से पहले दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करते जाना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है गरीब आदमी के लिए है। लाइक कर देना, कमेंट करो ना करो, बद्दुआ दे दूंगा बस तुमको। बाकी संडे भारत के एपिसोड है वो यहाँ 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 चिपके होंगे, बढ़िया देख लो। केरला वाला देखोगे तो मजा ही आ जाएगा, तुम्हारा पूरा संडे बन जाएगा, मंडे ट्यूजडे सब बन जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, यहीं पर ध्यान रखो अपना। तब तक के लिए टाटा बिरला, बाय बाय, शब बखैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।